भी हमारे इधर लेजेंडरी लोग आए, दादा और समीर दजी के लिए जोरदार ताली हो जाए। दादा कैसे? बहुत अच्छा हूँ। अरे मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है 90 से। अच्छा, कब से आप बोल रहे सासों की जरूरत है, सासों की जरूरत है। फिर एक दिन नाला सोपारा में आप शो पे आए थे ना, उधर भी मैं देखी स्टेज पे बोलते सासों की जरूरत है। अभी भी पीछे खड़ी थी बोलते सासों की जरूरत, इतनी जरूरत मेरे को मालूम है आपको जरूरत है, तो मैं आपको सांसे देगी। क्या मतलब सांसे देगी? अरे मतलब मैं इनके लिए सांसे लेकर आई है। कैसे? बुलाओ रे, ये ऋषभ की सांसे, वो मयंक की सांसे, वो अशोक की सांसे। अरे लेकिन मैं सासू की जरूरत नहीं बोला, यही सासो बोला। नहीं मैं यही सुनी थी। नहीं अभी आप जी लो अपनी जिंदगी, ऐसे नहीं चलेगा। दादा का स्वागत करो। अटैक। नमस्ते। हाय हाय मैडम। अरे आप लोगों ने तो बोला था सिर्फ दादा से मिलने का है, आप तो इधर मसाज अंगूर विंगूर चालू कर दिया आपने तो। इससे ये साबित होता है कि बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, बस मन में काला होना चाहिए। आज के बाद भाई मैं सांसों की जरूरत गाऊंगा ही नहीं, नहीं।, नहीं। अब जब जब गाया शो पे तीनों आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ। आप एक मिनट, ये सांसे मैं भी इनको सांस देगी। हाँ आपके लिए टमाटो सांस, आपके लिए ग्रीन चिली सांस, सोया सांस। हाँ हमारे उधर रेडी है ना नाला सोपर में इनका मोमोज का। हाँ इन लोग को सांस लगता है। थैंक यू वेरी मच। दादा आप लोग को मालूम है जब भी एंट्री करती मैं हमेशा डांस करती है। आज डांस नहीं की ना, आज दादा गाएंगे और मैं नाचेगी। क्या बात है। हाँ सच्ची में मैं नाला सोपर में कोरियोग्राफी भी करती है मैं। हाँ दादा मैं आप लोग को फायदे की बात बताऊँ। क्या बता? अभी मैं रस्ते में आ रही थी ना, मेरा 100 का नोट गिर गया। तो ये तो नुकसान हुआ ना। तो जिसको मिलेगा उसका तो फायदा होगा ना, उसके फायदे की बात बता रही। खैर सर कैसे है? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर मेरे को दो ही चीजें पसंद है, खाने में पनीर जी और लिरिक्स में समीर जी। सॉरी दादा आपका बना नहीं है सर, राइमिंग में सानू में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था खाने का। सच्ची में लेकिन आपको भी खुश करेगी, मानो या ना मानो, आई लव कुमार सानू। और सर सर बेटी के घर पे पहली बार आया, आप खाली हाथ आए सर। तो इनकी बेटी कब से हो गई? ए कैसी बात कर रहे, कैसे बोलता है तू? अरे कलयुग आ गया कलयुग। आजकल के जमाने में लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते, मैंने तो फिर भी रिश्ता जोड़े ला है। पैसों के लिए। अच्छी बात की ना सर मैंने। बहुत बहुत अच्छी बात की। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती? आते तूने 1 करोड़ रुपए मांगना शुरू कर दिया। हाँ तो क्या जाते जाते मांगती, कोई देता है क्या मेरे को 1 करोड़ रुपया? कितनी बार मांगा किसी ने नहीं दिया मालूम है। पूरा मार्केट में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा कितना। मैं बोलती जब से शो चालू हुआ है ना सर, दो जनों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसका? एक मेरा और दूसरा सिद्धू जी का। आप इंजॉय करो, मडेलैंड में एक और बंगला बनाओ। बट कुछ भी बोलो, वी लव अर्चना जी, अर्चना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आपकी वो वाली धुन बहुत पसंद है। कौन वाली? अंधा धुन। मैं ऐसा बीच बीच में फालतू बात भी करती है सर। अच्छा सर मैं लेकिन फालतू बात नहीं, सच्ची में बोलते आशी की पिक्चर आप लोग की आई थी ना, तो मैं ऐसा मतलब मेरा छावा है, छावा अंडरस्टैंड करते सर आप? अब तो लिख छावा, छावा मतलब बॉयफ्रेंड। नहीं अभी अभी इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ सर सर आपने उस हुआ है पिक्चर में से छावा छावा माहिया से छावा। मेरा मेरा ही गाना है वो। आपका गाना है? हाँ। वो उसी का। हाँ वही गाने का छावा है मेरा, मुकेश है ना। तो आपका गाना सुनते हम लोग उधर जाते हैं खंडाला में लॉन्ग ड्राइव पे। बाइक से कार से जाती कैसे? नहीं हम लोग डुक्कर पे बैठ के जाते हैं। हाँ सर सच्ची में लॉन्ग ड्राइव। हाँ अब मेरा मेरा छावा है ना सर, उसका सुअर धोने का काम है नाला सोपर में, डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, दो डुक्कर है ना उसके बीच में ऐसा लकड़ी का फट्टा डालते हैं और डुक्कर का रथ बना के उस पर बैठ के जाते हैं उधर। हाँ उधर उधर हम लोग बहुत गाना वीना भी गाते हैं, डुक्कर डुक्कर ए डुक्कर डुक्कर। सर आपके पास बड़ा बड़ा गाड़ी रहेंगे, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन कभी ट्राई करो सर, डुक्कर पे आप जाएंगे ना ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई नहीं पकड़ते। सच्ची बोलती है मैं। एक दिन ना आरटीओ वाले ने सर पकड़ लिया हमको, बोला इसका चालान कटना पड़ेगा। हाँ। मैं डुक्कर का पूंछ उठाई, मैं बोला ले इसका नंबर नोट कर गाड़ी का। सर
फिर मैं उसका मुंह खोल के दिखाई, देख बोनेट, देख गाड़ी का बोनेट चेक कर। वो लोग तो ऐसा डर गए। सर मुंह से मेरे को याद आया, आप तो कितना अच्छा मुखड़ा बनाते हैं सर, मेरा मुखड़ा अच्छा बनाओ ना सर। ए पागल है, वो गानों के मुखड़े बनाते हैं। तेरे को गाने के बारे में पता है कुछ? मेरे को गाने बीने के बारे में सब पता है। क्या? सर ने 3,500 गाने लिखे लिए और इन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गा लिए है ना। जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आप नाला सोपारा में लड़की लोग बहुत परेशान है आपसे। क्यों? उधर बहुत कंफ्यूज के लिए इन लोगों ने लड़की लोग को। कैसे? ये ना लड़की लोग को बोलते है लड़की बड़ी अनजानी है, तो वो खुश हो जाती है। फिर बोलते तुमसे मिलने को दिल करता है, तो लड़की मिलने आती है तो बोलते सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, ये क्या बात है। अच्छा सर वो भी गाना मेरे को समझ नहीं आया सर आपका। कौन सा गाना? आप बोलते धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्यों आपने हॉल में साबुन का पोछा मारे लाए जो धीरे धीरे आना। इन्होंने लिखा? नहीं, मेरा मेरा नहीं, मेरा लिखा हुआ नहीं है, इनका इनका लिखा हुआ है। अच्छा समीर जी, सर आप तो हर सिचुएशन पे गाने बनाते हैं, आपने होली दिवाली दिल टूटना दिल जुड़ना इस पे गाने बनाए ले, कभी झगड़े विगड़े पे बनाओ ना। मैं आपको सिचुएशन देती है सर, मेरा ना वो मुकेश छावा एक दिन बाहर चला गया था, तो मेरा जो फ्रेंड है मोहित, उसके साथ मैं घर पे चिल मार रही थी। चिल मतलब? चिल क्या होता है? तेरे को चिल का मतलब नहीं मालूम है क्या? नहीं। अरे चिल मारी मतलब मैं उसके सर पे तेल लगा रही थी, वो मेरे सर से जुए निकाल रहा था, ऐसा हम लोग उधर चिल मारते। तो मैं चील मार रही थी ना सर, तो मुकेश अचानक से बीच में आ गया और उसने हमको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? मेरे तेल लगा था ना हाथ पे, ऐसा गंदे हाथों, फिल्मों में तो रंगे हाथों होते, हमारे गंदे हाथ रहते हैं, मसाज वाली है ना मैं, तो मेरे को उसने ऐसा पकड़ लिया, मेरा बाल पकड़ा और डुक्कर का पूंछ पकड़ के ऐसा मुंह पे मार दिया। इस सिचुएशन पे गाना चाहिए सर। मुझे तुमको एक साल का वक्त देना पड़ेगा इसको लिखने का। एक साल का वक्त? एक साल बाद आप मेरे को लेटर लिखिएगा। लिख सपना ब्यूटी पार्लर नाला सुपारा 420 नंबर, ठीक है सर? मेरे को लेटर। अच्छा सर मेरा ना आप लोगों से एक जवाब था। बोलो जवाब क्या होता है? सवाल होता है पहले जवाब? नहीं, सवाल तो अमिताभ बच्चन जी ले गए ना, केबीसी आ रहे हैं अभी, केबीसी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उसमें बच्चन साहब क्या करते है सब लोग को ना सर सवाल ववाल पूछते है। मेरे को एक चीज जानने का था यार कप्पू, मतलब बच्चन साहब ऐसा सबको ऐसा सवाल पूछते और वो जवाब देता है और चैनल का करोड़ों रुपया उसको दे देते हैं, तो इतना जवाब जमा करके करते क्या है वो लोग? मतलब इतना पैसा खर्चा हो गया चैनल का, आप चैनल को कौन जवाब देगा? अच्छा सर मेरा ना एक और मेरे को जानना, मेरा ना पेट का आलम मुझे आपको बताना था। पेट का नहीं, दिल का आलम होता है। नहीं मेरा पेट खराब है, मैं पेट का आलम बताएगी सर। अरे आलम से मेरे को याद आया, मेरे को आलम भाई को फ़ोन करना था। हेलो सलाम वालेकुम आलम भाई, हाँ सुबह 6 बजे का आलम लगा दो। हाँ ठीक है। क्या देख? अरे डुक्कर लोग को वॉक पे ले जाना रहते हैं ना हम लोग को। हो गई तेरी बातें? ऐसे कैसे हो गई, जब तक अपने धंधे का बात नहीं करेगी कैसे चलेगा? मसाज पार्लर है सर हमारा, वी हैव मसाज पार्लर, हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का। आपके लिए हमारे पास 90s का आशी की मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं सर, हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल लगाते हैं और फिर दो बेवड़े बुलाते हैं। वो दो बेवड़े ना 90-90 का पैक लगाते हैं और फिर एकदम आशी की मूड में आके मसाज करते हैं, ऐसा टाइप का मसाज रहता है। क्या बात। आपके लिए तो स्पेशल, सिंगर लोग का क्या बोलते हैं इधर, वोकल बोलते हैं ना सर। वोकल? हाँ हमारे पास वोकल मसाज है सर। अच्छा। उसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को तेल लगाते हैं सर पहले, फिर हम लोग मेन्यू मंगाते हैं, फिर बोलते हैं कौन सा मसाज करवाएगा, वो बोलता है ये वाला, हम बहते वो कल करेंगे। ऐसा रहता है। अच्छा सर मैं ना आपको एक जादू दिखाएगी आज, मैं मैजिक भी सीखी है। अच्छा। हाँ आप लोग ऐसा सपने अपने आते हैं आपको, जब सोते सपना तो आते ही है। हाँ। तो आपने सपना आते ही देखा है ना, आज आप सपना जाते ही देखोगे, ये देखो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।